अगर में कृषि कानून के खिलाफ एनएसवाई के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई गई मुहिम एक रुपया व एक पैली धान देकर बढ़ाए किसानों का सम्मान मुहिम का समापन हुआ, जहां एकत्रित हुए धान को महापौर जानकी कारजू ने हरी झंडी दिखाकर किसानों के सहयोग के लिए रवाना किया। काले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन को समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ में चलाए गए एक रुपया और एक पैली धान मुहिम, जिसमें एनएसवाई के कार्यकर्ता धान खरीदी केंद्रों सहित गांव-गांव जाकर काले कृषि कानून के खिलाफ किसानों, साथ ही भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा की। दिल्ली के किसानों को समर्थन स्वरूप एक रुपया और पहले धान संग्रह किया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें रायगढ़ जिले में लगभग 100 बोरा धान जमा हुआ, जिसको आज रायगढ़ महापौर जानकी कारजू और एनएसवाई के उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने हरी झंडी दिखाई और रायपुर रवाना किया। वहीं से ये धान दिल्ली रवाना किया जाएगा। जो किसानों के समर्थन के लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके लिए हमारे एनईसी के सदस्य ने जगह जगह जाकर धान मांगा, इकट्ठा किया, आज उसके हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और हम लोग कांग्रेस किसान के साथ हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। एक रुपया और एक पैली धान देकर बढ़ाएं किसानों का सम्मान, छत्तीसगढ़ एनईसीआई का ये अभियान चल रहा था पूरे प्रदेश में। प्रदेश एनईसीआई के निर्देश पर एनईसीआई के कार्यकर्ता पूरे जिले भर में अलग अलग धान केंद्रों में गए, उसके बाद गांव-गांव गए और दिल्ली में जो बैठे किसान, जो कृषि तीन काले कानून आए हैं उसको रद्द करने को लेकर जो लगातार आज 60 दिनों से आंदोलन चल रहा है, हमारे कई किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनको एक भावना कि छत्तीसगढ़ का किसान भी आपके साथ है, एक रुपया और एक पैली धान। तो हम लोगों ने लगभग 95 से 100 बोरा धान हम लोगों को रायगढ़ जिले में मिला, जिसको आज हम लोग अपने स्टेट एनएसयूआई को रवाना किए हैं और वहाँ से वो दिल्ली रवाना होगा। ये एक भावना है छत्तीसगढ़ के किसानों की कि छत्तीसगढ़ का किसान जो है वो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक तरफ खुशहाल है, 2500 रुपये समर्थन मिल रहा है, और दूसरी ओर केंद्र सरकार से जो किसान नाराज है, ये एक भावना थी कि दिल्ली में जो बैठा किसान है हम भी उसके साथ हैं, भले हम वहाँ पे धरने में नहीं हैं छत्तीसगढ़ का किसान, लेकिन उसने धान देकर और एक रुपया देकर अपनी भावना व्यक्त की है, उसी का आज ये कार्यक्रम था। हमारी महापौर जी ने धान को आज हरी झंडी दिखाकर रायपुर रवाना किया। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।